Thousands of U.S.-based Pakistanis who actively participate via live call-ins, texts, and emails. TV One USA is among the very few broadcasters that regularly covers and creates live local community events and gatherings across the USA. And providing them a platform to express their V8 and sling Urdu packs. Thank you. TV One USA is a leading Pakistan-based 24-hour broadcast channel with its locally created dedicated beam from New York for our North American viewers. Nawaz Sharif sahab ke bayanat ka itna zikr kyun karte hain? To maine unse kaha bhai baat darasal ye hai ki Pakistan ki siyasat ko discuss karo to usme bada depression hai aur dil behlane ke liye नवाज शरीफ साहब के बयानात जो है वो पढ़ लेते हैं, उससे ज़रा दिल बहल जाता है। अभी पिछले दिनों मौसूफ ने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, उसमें आपने फरमाया कि मुझे पता है कि मुझे 14 साल की सज़ा होने वाली है। उसके नीचे एक साहब ने कमेंट्स लिखा था, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, कितना अच्छा ख्याल पेश किया है आपने। दूरंदेशी देखिए मोहतरम की कि उनको अंदाज़ा हो गया है क्या फिर 14 साल के लिए जाना है। नवाज शरीफ साहब अपने डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर मसला ये है कि जब मैं तकरीर के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरा गला खुश्क होने लगता है, मेरे पाँव काँपने लगते हैं और मैं दो एक अल्फाजी कह पाता हूँ कि तकरीर आगे नहीं बढ़ती, कि मुझे क्यों निकाला। तो डॉक्टर ने कहा, आप फिक्र नहीं करें, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, झूठ बोलते वक्त अक्सर ऐसा होता है, आप रुका नहीं कीजिए, अपनी तकरीर जारी रखा कीजिए। शायद इसी एडवाइस का असर था कि अभी एबटाबाद के जलसे में मोहतरम नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया, अजान की आवाज़ें आने लगीं, वो तकरीर फरमा रहे थे तो उनके पीछे एक साथी ने उनको टोका और कहा, सर अजान हो रही है। उनने सुनी अनसुनी कर दी। फिर उसके बाद उस आदमी ने दोबारा बताया कि अजान हो रही है, फिर सुनी अनसुनी कर दी। उसने तीसरी मरतबा जब कहा तो नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए, वो मुड़े और मुड़ के कहने लगे, मुझे भी आवाज़ आ रही है, मैं भी सुन रहा हूँ, टोको नहीं, इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूँ। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इससे पहले एक हमारी वज़ीर आज़म साहिबा ने फरमाया था, अजान बज रहा है, लेकिन शी वॉज मच बेटर देन दिस जेंटलमैन। क्यों? उनकी नीयत ये थी कि भाई अजान हो रही है, ज़रा काम को थोड़ी देर के लिए रोक दो। बेनज़ीर साहिबा ने जब ये बात कही थी तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि काम को थोड़ी देर के लिए रोक दो, अजान बज रहा है। उनके अल्फाज गलत हो गए थे। वो अल्फाज भी इस वजह से गलत हो गए हैं कि हम जो हैं, जो हमारा जो अपने आप को एलीट क्लास तबका समझता और कहता है, वो चाहता है वो कौमी ज़बान से ज़रा ऐसा एक्ट करे, बिहेव करे जैसे गोरे उर्दू सीख के करते थे, और वो सीखना नहीं चाहते। वरना हमने भी वेस्ट में आके पढ़ा लिखा पढ़ाया तो 40 साल से हमारी ज़बान तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो तबका चाहता है कि उसकी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ों वाली रहे, और वो कुछ इसी किस्म की कि अजान बज रहा है और मैं बैठ रहा हूँ, वो जा रही है, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। वो अपने आप को ज़रा ज़हनी तौर से किसी एक इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स में या अपने आप को ख़ास कैटेगरी में रखने के लिए ये करते हैं और आज भी कर रहे हैं। खैर, अब आप ज़रा ये क्लिप देखिए पहले कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, फरमा रहे हैं मुझे पाकिस्तान को तरक्की देने की सज़ा दी जा रही है। तरक्की क्या है? तरक्की ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म नाअहल, वज़ीर ख़ज़ाना मफरूर, इनके बच्चे इश्तिहारी मुजरिम, सारे तरफ वज़ीर जो हैं वो भाग रहे हैं, अपने जायदादें छुपा रहे हैं और जो है नई नई करारदादें पेश कर रहे हैं। ये तरक्की की है मुल्क ने कि आज मुल्क में इस साल
अपनी सूद की रकम जो कर्ज लिए हुए अदा करने के लिए 14 खरब रुपए चाहिए, 16 खरब रुपए का कर्जा लेने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मुल्क की एक्सपोर्ट 25 बिलियन डॉलर से गिर के 14 बिलियन डॉलर पे आ गई हैं। मुल्क में 25 मिलियन बच्चे जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं। मोर देन 50% पीपल आर लिविंग अंडरनीथ ऑफ दिस पॉवर्टी लाइन। तो मुझे बताइए कि ये कौन सी तरक्की है? ये अपने घर की जो प्रॉस्पेरिटी है, इनकी जो माशी तरक्की है, उसको ये नज़र में सिर्फ रखते हैं? 4 साल में मोहतरम ने, नाअहल वज़ीर आज़म ने लंदन के 21 दौरे किए। 21 दौरों में से 20 दौरे जो थे वो निजी थे और एक दौरा सरकारी था, और इस तमाम दौरों के अखराजात जो हैं वो सरकारी ख़जाने से करोड़ों अरबों रुपए में अदा किए गए। अब आप ज़रा इस बात से इनकी फ़िक्र का अंदाज़ा लगाइए कि इनका दिमाग जो है वो अपनी बच्चे, अपना बिज़नेस, अपनी फैमिली की तरफ है या पाकिस्तान की तरक्की की तरफ है। जो वो फरमा रहे हैं कि मुझे जो है पाकिस्तान की फ़िक्र रहती है और मैंने पाकिस्तान को तरक्की दी है। पैसे छुपाने जाते हैं, जायदाद की हिसाब किताब के लिए जाते हैं, पाकिस्तान कहाँ पहुँच रहा है? कोई सरोकार नहीं है। अब आइए एक कदम और ज़रा संजीदगी से आगे बढ़िए। कल जब मौर्रिख तारीख लिखेगा पाकिस्तान की, तो एक चैप्टर में इस बात का ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसा दौर भी देखा जब उसका वज़ीर आज़म नाअहल था, उसके वज़रा सारे चोर थे, सब पैसे कमाया करते थे, उस वक्त की अपोजिशन भी चोर थी, इख्तदार में रहने वाले भी चोर थे, और वो मिलकर इतने पावरफुल थे कि वो मुल्क का आइन बदल दिया करते थे। शख्सियत परस्ती इतनी ज़ोरों पर थी और उनके साथ मिलकर खाने वाले अरकान असेंबली भी इतने बेगैरत थे कि वो मिलकर मुल्क को लूटते थे। अभी गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि कौमी असेंबली से ये बिल पास कराया गया है। ये तारीख है, तारीख दुनिया में। क्या अमेरिका में ऐसा मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जिस शख्स को नाअहल करार दे दे, जमहूरियत की तो बहुत बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसको नाअहल करार दे दे, उस मुल्क के ऐवान बाला जो हैं वो इस बात को इंडोर्स करें कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाअहल, बदमाश, चोर, डाकू, करप्ट मुल्क का किसी भी सियासी जमात का रहनुमा बन सकता है और मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। राह दिखा दी सब गलत लोगों को कि अगर तुम्हारे पास नंबर हैं, अक्सरियत है, तो आओ लूटो, फूटो, छुपाओ, हमारे साथ खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम हमारे साथ खड़े रहो। अब पीपल्स पार्टी से नवाज़ शरीफ साहब मुलाकात करना चाहते हैं आसिफ जरदारी से, किस लिए? अब मिसाक़े जमहूरियत की कहानी दोहराई जाएगी। अब सिलसिला ये है कि इनको यकीन हो चला है कि जनाब अब 14 साल के लिए जाना पड़ेगा और ये सारे जो इतने पैसे रकम जमा किए कहीं ये वापस ना लानी पड़ जाए, आओ चल के मुआहदा करें अपोजिशन से और कहें कि भाई देखो अब ऐसा करो कि एक ऐसे कवानीन बनाते हैं कि हम तो मिल के ये जद्दोजहद करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स चलो अब ऐसी हल्का बंदी में साथ देंगे हम तुम्हारा कि तुम नेक्स्ट सवारी तुम कर लो 5 साल की, लेकिन इन कवानीन से हमें बचा लो, इन सज़ाओं से हमें बचा लो, ये जो अदालतों में इस चक्कर हैं इनसे हमारी जान छुड़वा दो, ठीक है आने वाले 5 साल तुम ले लो। ये खेल खेला जा रहा है। एक आम गरीब जो पिसावा आदमी है पाकिस्तान का, शायद वो समझता है तो वो अवॉइड करता है कि उसकी तो जान मुसीबत में है, 2 वक्त की रोटी के लाले हैं, जो बाहर बैठे हैं आपके मेरी तरह या जो देखते हैं और इसको समझते हैं उन्हें तो चाहिए कि इस पर कोई एक्शन ले। ये कौमी असम्बली की एक छोटी सी फुटेज है, ज़रा देखिए ये साद रफीक साहब इतना क्यों उछल रहे हैं। प्यासी जमात हो उस जमात का कार कौन करेगा? चंद लोग नहीं करेंगे, चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे, चंद चंद लोगों को 21 करोड़ के इस मुल्क की किस्मत के फैसलों का हक नहीं देंगे। ये जंग हम नहीं लड़ रहे, ये जंग पीपल्स पार्टी ने भी लड़ी है, ये जंग एमकेएम ने भी लड़ी है, जमात इस्लामी ने भी लड़ी है, ये जंग जेयूआई ने भी लड़ी है, ये वो जंग है जो आज हम लड़ रहे हैं। बस करो बस करो,
कोई भी नहीं बोल, चुप गए, एक मिनट मियां साहब हो जाए एंगल कर। हमें बता रहे हैं जमहूरियत क्या है, आप हमें ना बताएं जमहूरियत क्या है। ठीक, आप वो लोग आपकी सफों में शामिल हैं जिन्होंने इमरजेंसी का कानून लिखा। इस शख्स ने, ये रेलवे का वजीर रहा है, अरबों रुपए के गबन किए हुए हैं, अरबों, ये डॉलर में मिलियनर है, प्लाजे बनाता है वहां पर, और इंतहाई बस जबान और इंतहाई बोलने में तेज व तर्रार फितीन ये शख्स जो है, ये देखिए किस अंदाज से दफा कर रहा है कि इसकी जवानी किधर गई। भाई हमें क्या पता तुम्हारी जवानी किधर गई, तुमने कहाँ गंवाई अपनी जवानी, जाओ उन गलियों बाजारों में ढूंढो, तुमने इस मुल्क की क्या खिदमत की है, तुम्हारी क्या माशी हालत थी, आज तुम्हारी माशी हालत क्या है, तुमने ऐसा कौन सा कारोबार किया है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हम पे, सब पे ये चीज़ वाजिब है, लाजिम है कि आप अगर गलत को देखें और आप में कुव्वत हो तो सच्चाई से चोर को चोर कहिए, उसको पुकारिए, उसको कहिए कि नहीं, डोंट डू दिस, इनफ इज इनफ, इसको बंद करो। आपको पता है जो सूरत हाल मईशत की आज है, अगर हमें बैनुल अक़वामी सतह पे कर्जे ना मिले तो मुल्क में क्या सूरत हाल होगी गरीब आदमी की, बहुत ख़राब। सोचिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक साहिब राय लोग हैं, आप सच्चे पाकिस्तानी हैं और आप दिल में दर्द रखते हैं। ये एक लाइव शो है, आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और आज मेरे साथ एक मेहमान भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी एक खातून, उनसे एक सिंगल पेरेंट हैं, वो किस कदर डिवोशन से लाइफ में काम कर रही हैं, और उनकी मिसाल बनती है कि हम कम्युनिटी में उनको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेश करें, उनको भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने पेश करेंगे और आपकी राय भी लेंगे। TV1 USA is exclusively available to its US viewers through Dish Network Channel 678 and on Sling TV's Urdu Pak. We are the largest content generator among the Pakistani broadcasters in North America. Our entertainment, infotainment, and political content programming is watched by thousands of US-based Pakistanis who actively participate via live call-ins, texts, and emails. TV One USA is among the very few broadcasters that regularly covers and creates live local community events and gatherings across the USA. We entertain, inform, and educate the Pakistani community from our studios in New York, Washington, D.C., Chicago, Dallas, and Houston. We look forward to uniting our community and providing them a platform to express their views and play an active part in the life of the American Pakistani community. Stay tuned. Subscribe to Dish Channel 678 and Sling Urdu Packs. Thank you. Assalamu alaikum and welcome back to the show. Khawateen Hazrat, Pakistan ki siyasat pe aapne jo hamara monologue hota hai wo suna. Ab is segment mein अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल पे जो मैंने भी आपके सामने रखी है कोई बात कहना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन अब हमने एक और नया वो फॉर्मेट ये तय किया है कि सेकंड हाफ में हम अपने किसी पाकिस्तानी अमेरिकन को, किसी ऐसे मूवर डूअर अचीवर को बुलाएं और उनसे बातचीत करें ताकि उनसे दूसरे लोग इंस्पायर हों और बात आगे चले। मेरे साथ बैठी हैं, सिटिंग ऑन माय राइट हैंड साइड, आलिया सिद्दीका, पाकिस्तानी अमेरिकन, ए सिंगल पेरेंट, एक ऐसी शख्सियत कि जब मैं इनसे मिलता हूँ मुझे देख के एक बात की बड़ी खुशी होती है कि जिस डिग्निफाइड तरीके से ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में आती हैं और अपना काम करती हैं, यहाँ पे पढ़ाती हैं, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, अपने बच्चों का टेक केयर भी करती हैं, और एक बड़ी मिसाली सी तस्वीर मेरे जहन में इनकी बनती है। और इनसे हम बातचीत करेंगे इनके प्रोफेशन से मुतालिक, इनके सिंगल पेरेंट होने पे, जो बहुत सारे हमारे देखने वाले जो हैं उनको आप दावत दीजिए और चाहिए कि जो इनसे कुछ सीखना चाहें वो सीखें। इससे पहले कि हम इनसे तफसील से बातचीत करें, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी वीडियो है 1.5-2 मिनट की आलिया से मुतालिक, वो पहले आप देखिए और फिर इनसे हम बातचीत का आगाज करेंगे। आलिया
ویلکم بیک ٹو دی شو. خواتین حضرات ہمارے ساتھ عالیہ صدیقہ موجود ہیں, پراؤڈ پاکستانی امریکن. عالیہ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا تعارف کرائیے اپنا ہمارے ناظرین کو ادھر دیکھتے ہوئے. میرا نام عالیہ صدیقہ ہے اور پاکستان میں بورن ہوئی, وہیں سے پڑھی اور ماسٹرز کے بعد میں یہاں پہ موو ہوئی اپنی فیملی کے ساتھ. اور جب بچے چھوٹے تھے تو تب جاب نہیں کی, اب ماشاء اللہ ذرا بڑے ہوئے ہیں, اس قابل ہوئے ہیں کہ خود اپنا آپ سنبھال سکیں. تو پھر میں نے ٹیچنگ شروع کی ہے یہاں پہ, میں فورن لینگویج پڑھاتی ہوں اردو فارنرس کو اور اسٹوڈنٹس کو, ہیریٹیج اسٹوڈنٹس کو, اور ای ایس ایل پڑھاتی ہوں اڈلٹس کو. اچھا جی, تو آپ وہاں سے ماسٹر کر کے یہاں پہ آئیں اور پھر یہاں پہ اب آپ لوگوں کو انگلش بھی پڑھاتی ہیں اور اردو بھی پڑھاتی ہیں. جی. اچھا تو ذرا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ایز اے سنگل پیرنٹ آپ کی زندگی میں کیا چیلنجز آئے اور آپ نے ان کو کیسے لیا, کیسے ان کو اتنے کامیاب بنایا اپنے آپ کو؟ اصل میں ایز اے سنگل پیرنٹ مجھے چیلنجز نہیں آئے. اچھا. چیلنجز پہلے تھے, ٹربلس پہلے تھی. اچھا. ڈبل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ تھے, اب نہیں ہیں. اب ماشاء اللہ جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے 2 سال پہلے اسپیشلائزڈ ہائی اسکول ہے وہاں پہ جا رہی ہے بروکلن ٹیک میں, اور بہت ذہین بچے وہاں پہ جاتے ہیں, اور میں خدا کی شکر گزار ہوں. اور بچے بھی ماشاء اللہ پڑھنے والے ہیں, بہت محنت سے پڑھتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں بھی جاتے ہیں, گیمز اور باسکٹ بال, سوئمنگ, گانا, پیانو, میوزک, سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا خوش ہیں. تو یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی خواتین حضرت, اگر کچھ لوگ سمجھنا چاہیں جو ہر وقت اپنی قسمت کو کبھی کبھی دوش دیتے ہیں, کبھی پریشان رہتے ہیں. نہیں, ابھی عالیہ نے کیا خوبصورت چھوٹے سے جملے میں سب کچھ کہہ دیا کہ پہلے ٹربل تھیں, اب سنس آئی ایم سنگل اب وہ ختم ہو گئی, بلکہ اب وہ کنسنٹریشن ہو گیا بچوں کی پڑھائی پہ اور سارے کاموں پر. اچھا تو اب یہ جو آپ اردو کا جو آپ نے پیچھا لیا ہوا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں کمیونٹی میں, آپ کیا دیکھتی ہیں, کون پڑھنے آتا ہے اردو یہاں پہ؟ انگلش سیکھنے تو آپ پڑھنے آتے ہیں, وہ تو آپ کے پاس ٹھیک ہے, یہ اردو کیا پڑھاتی ہیں آپ, کیوں پڑھاتی ہیں, کہاں پڑھاتی ہیں؟ میں اصل میں امریکن کمپنیز کے لیے کام کرتی ہوں, جو ان کے پاس اور بھی لینگویجز ہیں جو سروس دیتے ہیں, لائک اٹالین, جرمن, اسپینش, فرینچ. بدقسمتی سے ہمارے پیرنٹس اور پاکستانی کمیونٹی اردو نہیں پڑھانا چاہتے بچوں کو, فارنرز پڑھتے ہیں, انڈین پڑھتے ہیں, انڈین اردو بھی سیکھتے ہیں, بنگلہ دیشی اردو سیکھتے ہیں. وہ کس پرپز کے لیے؟ دیکھیں اب دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, اب ہوم لینڈ سیکورٹی میں, پولیس میں, لا میں, ایوری ویئر جو لوگ ہیں بائی لنگول کو ترجیح دیتے ہیں. جن بچوں کو ایک سے زیادہ لینگویج آتی ہے ان کے لیے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ جاب لے سکیں, اور کیونکہ کمیونٹی بھی ہے, لوگ بھی ہیں, تو وہ اپنے ان بچوں کو جن کے 1, 2, 3 لینگویجز زیادہ آتی ہیں, تو آئی تھنک وہ کمیونٹی کے لیے بھی بیٹر ہے. ان کو اپنی مدر ٹنگ اور ہیریٹیج لینگویج وہ آ رہی ہوتی ہے, اور انگلش بھی آ رہی ہوتی ہے, ان کے لیے زیادہ ضروری ہے, اور ان چانسز ان کے لیے بہت زیادہ ہیں جابس میں بھی. تو یہ جو آپ نے کہا انڈین, بنگلہ دیشی اور دوسرے لوگ اردو سیکھ رہے ہیں, جی فارنرز, تو یہ کوئی غالب کو پڑھنے کے لیے تو اردو نہیں سیکھ رہے ہوں گے, یہ تو غالب بھی پڑھتے ہیں, غالب بھی پڑھتے ہیں, امیر بھی پڑھتے ہیں, جی جی, اس لیول تک ایجنسی کو جوائن کرنے کے لیے پڑھتے ہوں گے میرے خیال. جی بالکل, اور ویسے بھی خود پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے وہ ایک, مطلب کیا میرا سوال یہ ہے کہ ڈو دے ہیو اے ایفینٹی ٹوورڈز اردو, ان کے اندر نیچرل ایفینٹی ہے, کوئی محبت, کچھ, اردو اتنی میٹھی زبان ہے کہ ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, یا شوق اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بڑی جاب مل جائے گی ایف بی آئی کے اندر؟ جی یہی ہے کہ جاب مل جائے گی, اور انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں, ہیریٹیج ہیں, کچھ نہیں آتا, لیکن انہوں وہ زیادہ آورز بائی کر کے انہیں انٹرنشپ ملی ہے یا کونسلیٹ میں یا کہیں جاب ملی ہے, کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, ان کا رابطہ رہے گا, تو وہ فوراً سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہو سکے سیکھ سکیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستانی پیرنٹس اسکولوں میں بھی نہیں, اس سطح پہ بھی کام نہیں ہو رہا, پرائمری سطح پہ بھی نہیں, اور کالج لیولس پہ بھی نہیں جتنا ہونا چاہیے. اور میں تو ہر جگہ پروموٹ کرتی ہوں کہ میری لینگویج, میرا کلچر, میری زبان میرے ساتھ ہی نہ فنش ہو جائے, یا ہم لوگوں کی جنریشن کے ساتھ, آنے والی جنریشن تک پڑھے,
چلے آگے بڑھے اور میں نے اپنی بیٹیوں کو خود گھر میں اپنی ایفرٹ سے انہیں سکھایا اردو بولنا لکھنا. جی جی اچھا اردو لکھ بھی لیتے ہیں؟ جی میری جو بیٹی کالج میں ہے وہ لکھ بھی لیتی ہیں اور اپنا نام اور چھوٹے موٹے جملے یا آسان لکھی ہوئی سب پڑھتے ہیں اور ایک بیٹی زیادہ پڑھتی ہے وہ فلوئنٹ ہے. اچھا یہ آپ کی اپنی محنت کی وجہ سے؟ جی جی میں وہ لیکن پڑھانا اس وقت بہت مشکل تھا. جس وقت میں پڑھاتی ہوں تو وہ سوچتے تھے کہ ہماری ماں بہت سخت ہے کہ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز بھی ہیں پڑھنا بھی ہے ٹیوٹرنگ بھی ہے جاب بھی ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اور پھر اردو بھی پڑھنا ہے. تو میں کہتی تھی جب آپ فرینچ سیکھ سکتے ہیں اسپینش سیکھ سکتے ہیں تو اردو تو آپ کو آدھی آتی ہے نا, بولنی آتی ہے سنتے ہیں ادھر ادھر بات آپ کے کانوں میں پڑی ہوئی تو وہ زیادہ آسان ہے آپ کے لیے. اچھا قرآن جو پڑھتے ہیں اتنی بڑی کمیونٹی ہے ماشاء اللہ ہماری یہاں پہ امریکہ میں, تو اس میں اتنے مشاعرے بھی کراتے ہیں لوگ, شاعر بھی ہر کونے میں آپ چلے جائیے آپ کو مسجد و شاعر ضرور مل جائے گا یہاں پہ. وہ ہم کام بھی کرتے ہیں, وہ پچھلی نسل کے ہیں نا. اب نیو بچوں میں سے دیکھیں نا کون ہے 20-25 سال کا یہ جو یہاں پہ بورن ہوئے ہیں ان کی اردو کا کیا حال ہے؟ میں جب اپنے مشاعروں نے کچھ نہیں کیا, بہت کم بچے ہیں یا تو وہ بڑے ہو کے یہاں پہ آئے جن کو اردو پہلے آتی تھی, لیکن ہم نے انہیں کتنی سکھائی ہے جو یہاں پہ بورن ہوئے؟ میرے خیال میں صفر, بہت کم ریشو ہے, بہت کم. اچھا یہاں کے اسکولس میں بھی کچھ انٹرسٹ ہے, وہ پڑھاتے ہیں اردو کسی یہاں کے کریکولم میں؟ جب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پڑھائیں کہ امرشن لینگویج ہو تو پیرنٹس ووٹنگ کر کے منع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے انگلش سیکھنی ہے اردو نہیں. تو پھر پیرنٹس کی ہمارے اپنے پیرنٹس جی 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 پاکستانی پیرنٹس وہ نہیں چاہتے وہ, اور کیونکہ ان کو اس کی افادیت اور اہمیت کا نہیں پتا. اور جیسے چھوٹا بچہ زیادہ لینگویج سیکھتا ہے تو اس کا برین اور بڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ووکیبلری زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ذہانت کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور اینگل, جیسے فرینچ سیکھی جاتی ہے بڑی سویٹ لینگویج ہے, اسپینش سیکھی جاتی ہے, ایسے ہی اردو بھی اس بہت بڑے پاکستان, ناٹ اونلی پاکستان, سب کانٹیننٹ عرب اور ہمارا ایران, یہ سب ملا کے اردو جو ہے وہاں پہ جو ہے سمجھ لی جاتی ہے. تو اتنی سویٹ لینگویج, اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہاں کے گورے بھی اس کی طرف کچھ شوق پیدا ہو ان کے لیے بھی کہ اردو سیکھی جائے ایز اے سیکنڈ لینگویج, کیونکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کو سمجھتا ہے. گورے جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں ہندوستان انڈیا, وہ لینگویج لیتے ہیں اردو کے لیے, اور کئی انڈین جو ہیں وہ اپنے بچوں کا ایکسنٹ اچھا کرنے کے لیے وہ اردو ٹیچر لیتے ہیں. دوبارہ کہیے, کئی لوگ اپنی بچوں کے انڈین لوگ وہ ہندی کی ٹیچر نہیں لیتے, ان کو چھوڑ کے مجھے لیتے ہیں تاکہ ان کو اردو کا پاکستانی ایکسنٹ وہ پسند ہے. لائک دیٹ پاکستانی ایکسنٹ. جی جی نہیں, ان کے وہاں جتنے پھر ہے اس کو پھر کہتے ہیں. جی 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 پھر یہ ہوا فوارا پھٹ گیا چل گیا یہ کچھ ایسے, تو ان کے ہاں وہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ ان کے ایکسنٹ میں, جبکہ بھائی دیکھیے ان کی وہ زبان نہیں ہے, ان کے الفابیٹس نہیں ہوں گے ان کی زبان میں, لیکن بڑی ذرا تھوڑی سی تکلیف سی ہوتی ہے جب کوئی ہمارے انڈین بھائی بولتے ہیں تو ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ بولنا تو چاہ رہے ہیں, اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ بھائی ان کے زبان میں لینگویج میں وہ الفابیٹ نہیں تھے تو نہیں تھے تو وہ اس کو نہیں بول پا رہے ہیں, لیکن وہ جب سنتے ہیں تو وہ ان کو ہماری اردو سے تکلیف ہوتی ہوگی کہ کیسے یہ لوگ. وہ تو آپ نے کہا نا, وہ تو نہیں نہیں وہ جو بہت پڑھے لکھے ہیں جو واقعی پڑھے لکھے ہیں, جیسے ایک بچہ ہے ان اس کی ماں مدر جو ہیں ڈاکٹر ہیں, ینگ ہے بالکل, 2.5 سال کے بچے کو انہوں نے لینگویج سکھانی شروع کی, اور اس کی نانی بھی ڈاکٹر ہے, دادی بھی ڈاکٹر ہے, دادا بھی نانا بھی, کہ پچھلی جنریشن سے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ توجہ دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے لینگویج سیکھیں, اور وہ اتنا ہائیلی پے کرتے ہیں کمپنیز کو. خواتین حضرات یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے تو کسی سطح پہ کام ہی نہیں کیا نا, یہ مسئلہ مشکل یہ ہے. اردو ایک ایسی زبان ہے اس میں اتنی چاشنی ہے کہ عمران خان کے ایک ہاسپٹل کے ایک انوگریشن میں ایک انڈین ایکٹریس پاکستان آئیں, اور جب وہ ہندوستان واپس گئیں تو ان سے پوچھا کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے, کیا تم نے دیکھا, تو وہ بولی کہ وہاں کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں اور ان کی زبان تو اتنی خوبصورت ہے کہ میں تو ڈرائیور سے بات کرتی تھی تو خوش ہو جاتی. یعنی آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا مواد ہے, اتنی اس میں اٹریکشن ہے, لیکن کبھی پروموٹ کرنے کے لیے ہم نہیں
سوچتے اس طرف جاتے نہیں بلکہ خود اپنے گھروں میں جو ہے وہ اردو کو جو ہے اس کی ٹانگ توڑ رہے ہیں اور جو ہمارے اینکرس ہیں وہ اس کو جو ہے ذبح کیے دے رہے ہیں اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا. پتہ نہیں کیا انجام ہوگا کہ ہر سطح پہ اپنے آپ کو خود گرایا, جبکہ رب العالمین نے پاکستان میں چاروں موسم دیے, ہر قسم کی چیز ہمیں دی, زبان ہمیں وہ دی کہ آج اس زبان سے ہم ایک بنگالی سے بھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, انڈین سے بھی کر سکتے ہیں اور عربی سے بھی کر سکتے ہیں, اور ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے, اس کی ٹون کو, اس میں اتنی چاشنی ہے, لیکن اس کو برباد کیا. خیر, اچھا تو اب یہ بتائیے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کیسے کر پاتی ہیں اتنی ایکٹیویٹیز, جبکہ آپ پڑھتی بھی ہیں, آپ نے بتایا پڑھاتی بھی ہیں, بچوں کو بھی آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے ایز اے سنگل پیرنٹ. یہ اس سے پہلے کہ یہ ایکٹیویٹیز بتائیں, یہ بتائیں کہ زندگی میں آپ نے ایز اے سنگل پیرنٹ سکسیس کیسے حاصل کی, خوف سے ایمان سے کیا ہوا؟ میرا خیال ہے مجھے میں پر امید بہت ہوں. What make you so pure meat? میرا بلیف بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. What is belief? میں جو سوچتی ہوں, جو فیوچر مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے, میں صبر کے ساتھ انتظار کرتی ہوں اور کہتی ہوں انشاءاللہ یہ ہوگا. اچھا, اور میں صبر بہت کرتی ہوں. اچھا, صبر کر لیتی ہوں, چھوڑ دیتی ہوں, لڑائی جھگڑا نہیں پسند کسی صورت میں نہیں. اچھا, اور ہوپ میں رکھتی ہوں, اچھی ہوپ رکھتی ہوں, جیسے کہتے ہیں کہ گمان اچھا ہو تو خدا جیسا گمان کرو گے ویسے ہی ہے, تو میرے نزدیک میرا خدا بہت اعلیٰ اور اچھا ہے. اس کو بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں تو صبر کا تو ہم نے بھی بہت سنا ہے کہ بھائی صبر جو ہے وہ ایک منٹ کا صبر جو ہے وہ 10 گھنٹے کی عقل پہ بھی بھاری ہے, ٹھیک ہے نا, باتیں تو بہت سنی ہے. لیکن جب آدمی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے یا اس رزلٹ نہ آ رہے ہوں تو وہ صبر کی ٹیکنیک کیا ہے, کیسے صبر کرے؟ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے, لیکن میں میڈیٹیشن بہت کرتی ہوں اور میں رب انی مغلوباً فانتصر بہت پڑھتی ہوں. اچھا جی, میں اچھا تو یہ کہیے کہ آپ ان عظیم وہ جو تحفے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس کا سہارا لیتے ہیں. دعا پہ بہت یقین ہے, دعا پہ بہت بلیو ہے پکا, کچھ ہو جائے اور میرا گمان ہو جائے. کہتے ہیں ساری زندگی دعا مانگی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی, انہوں نے اس طریقے سے نہیں مانگی جس طریقے سے مانگنا چاہیے. اور پھر میں یہ نہیں کہتی, میں یہ بھی کہتی ہوں کوئی چیز نہیں پوری ہوئی نا تو ضروری نہیں کہ وہ ہو جاتی, کبھی نہیں ہوتی تو ایک دو سال کے بعد مجھے لگتا ہے, میں سوچتی ہوں اس کے اوپر بھی زیادہ تو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہوا, جو مجھے نہیں جو میں نہیں ہوا تو وہ بہت اچھا ہوا. اچھا, اگر وہ ہو جاتا تو میرے لیے خراب تھا, کیونکہ اس کے بعد جو ڈور کھلتا ہے وہ اس سے بہت وسیع ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد مجھے زیادہ بڑا پیسج ملتا ہے. اچھا, بڑا مجھے راستہ ملتا ہے بڑھنے کو. اور جو دشواریاں ہیں, کم تکالیف ہیں, وہ شاید ایک کھاد کا کام دیتے ہیں کہ جیسے ایک پلانٹ کو ہم گرو کرنے کے لیے جب ڈالتے ہیں وہ بڑی بدبو سی ہوتی ہے, ناپسندیدہ ہوتا ہے, 2-4 مہینے کے بعد آپ دیکھیں سال کے بعد تو وہ پلانٹ بہت اچھا گرو ہوتا ہے. تو پہلے ایسے ہی ہے, کچھ نہیں ہوتا. اگر کبھی جیسے موسم آتا ہے, خزاں کا موسم ہے, پتے جھڑ گئے تو بہار میں آ جاتے ہیں, پھر باہر آتی ہے. آتی ہے ضرور. اچھا, یہاں پہ ایک بریک لینے کو کہہ رہے ہیں اور صبر جو ہے بڑی ضروری چیز ہے, جو آپ نے کہا خواتین آزاد غالب نے بھی کہا تھا کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب, دل کا کیا رنگ کریں خونے جگر ہونے تک. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے. تو اس سے پہلے کہ بریک لیں, مجھے ایک اناؤنسمنٹ دیا ہے انہوں نے کل تھینکس گیونگ ڈے کے لیے شاہ نواز پیلس, جو یہ ہمارا بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے اس میں نیو جرسی میں, ان کا تھینکس گیونگ بفے ہے صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک. اور آپ سب شاہ نواز کو جانتے ہیں اور لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں. میں یہ جان کے حیران رہ گیا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اب وہ اس وجہ سے ٹھہرے ہیں ہوٹل میں کہ وہ شاہ نواز میں 2-3 دن تک کھانے کھائیں گے. ان کا نمبر ہے 7322254640. شاہ نواز کے تھینکس گیون ڈنر میں جائیں. آئی مے گو مائی سیلف, میں بھی کچھ ایسا ارادہ کر رہا ہوں, اب دیکھیے کہ کیا حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور وی ول بیک رائٹ آفٹر دیز اسمال مین. فرام نیو یارک, لیٹ نائٹ شو وتھ فائق صدیقی.
TV One USA is a leading Pakistan-based 24-hour broadcast channel with its locally created dedicated beam from New York for our North American viewers. TV One USA is exclusively available to its U.S. viewers through Dish Network Channel 678 and on Sling TV's Urdu Pak. We are the largest content generator among the Pakistani broadcasters in North America. Our entertainment, infotainment, and political content programming is watched by thousands of U.S.-based Pakistanis who actively participate via live call-ins, texts, and emails. TV One USA is among the very few broadcasters that regularly covers and creates live local community events and gatherings across the USA. We entertain, inform, and educate the Pakistani community from our studios in New York, Washington, D.C., Chicago, Dallas, and Houston. We look forward to uniting our community and providing them a platform to express their views and play an active part in the life of the American Pakistani community. Stay tuned. Subscribe to Dish Channel 678 and Sling Urdu Packs. Thank you. से रिश्ता है प्यार का TV One USA is a leading Pakistan-based 24-hour broadcast channel with its locally created dedicated beam from New York for our North American viewers. TV One USA is exclusively available to its U.S. viewers through Dish Network Channel 678 and on Sling TV's Urdu Pak. We are the largest content generator among the Pakistani broadcasters in North America. Our entertainment, infotainment, and political content programming is watched by thousands of U.S.-based Pakistanis who actively participate via live call-ins, texts, and emails. TV One USA is among the very few broadcasters that regularly covers and creates live local community events and gatherings across the USA. We entertain, inform, and educate the Pakistani community from our studios in New York, Washington, D.C., Chicago, Dallas, and Houston. We look forward to uniting our community and providing them a platform to express their views and play an active part in the life of the American Pakistani community. Stay tuned. Subscribe to Dish Channel 678 and Sling Urdu Packs. Thank you. से रिश्ता है प्यार का TV One USA is a leading Pakistan-based 24-hour broadcast channel with its locally created dedicated beam from New York for our North American viewers. TV One USA is exclusively available to its U.S. viewers through Dish Network Channel 678 and on Sling TV's Urdu Pak. We are the largest content generator among the Pakistani broadcasters in North America. Our entertainment, infotainment, and political content programming is watched by thousands of U.S.-based Pakistanis who actively participate via live call-ins, texts, and emails. TV One USA is among the very few broadcasters that regularly covers and creates live local community events and gatherings across the USA. We entertain, inform, and educate the Pakistani community from our studios in New York, Washington, D.C., Chicago, Dallas, and Houston. We look forward to uniting our community and providing them a platform to express their views and play an active part in the life of the American Pakistani community. Stay tuned. Subscribe to Dish Channel 678 and Sling Urdu Packs. Thank you. से रिश्ता है प्यार का वेलकम बैक टू द शो खातिर आजाद हमारे साथ एक कॉलर हैं पहले उनसे बात करेंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ये रफी अस्कर हूं मैं आपसे फिर से जी जी रफी साहब कैसे नजर हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह सर आप आपकी तबीयत कैसी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कमेंट था जी जी और अस्सलाम वालेकुम आलिया मोहतरमा वालेकुम अस्सलाम मेरा एक कमेंट था ऑब्जर्वेशन थी और उसके बाद दो कमेंट्स और थे या कह लीजिए कि दो जुमले और कहने थे जी जी जरूर पहली चीज ये कि मैं देख रहा था जब वो फरमा रही थी कि उन्होंने सब्र किया और उनका चेहरा
कितने जबरदस्त तरीके से खिल उठा जब उन्होंने कहा कि मुझे दुआ पे बड़ी यकीन है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और जो उनकी कन्विक्शन थी वो उनके चेहरे से जाहिर हुई, तो अल्लाह ने उनको और भी दे और आमीन, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और मुझे और जो कमेंट मुझे करना था वो हिंदी वो एक्सेंट वगैरह पे, अच्छा आप उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अभी शादी अपने भांजे की शादी वगैरह पे गया हुआ था और वहाँ मैंने देखा कि हमारे लाहौर में लड़के और यंग पीपल जो हैं वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं हिंदी तलफ्फुज़ पे। इनफैक्ट मैंने तो ऑलमोस्ट मैंने डांट दिया उस बच्चे को ये तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये एक बड़ा लम्बा फिक्र यह है। और उसके बाद मेरा आखिरी कॉमेंट ये है कि हम लोगों को बहसीत कौम तालीम से कोई रगबत नहीं रही, तो सर है बीमारी की जड़ यहीं से शुरू होती है। आप देख लीजिए जो अभी आप फरमा रहे थे कि तलवार खंजर ये वो आखिर हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन हमारे कहीं भी किसी ने भी नेल्सन मंडेला वाला काम नहीं किया, वो तालिबान वाले काम करके जाते हैं। बस मेरा यही कहना था आपकी तरह मैं भी बड़ा दिल जला बैठा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है आपका प्रोग्राम देख कर, बहुत लुत्फ अंदोज होता हूँ। और आज की जो आपकी मेहमान है उनको मेरा खसूसी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत जबरदस्त, बड़ा आपका शुक्रिया फाइक साहब, आपने हमें इतना अच्छा किरदार से हमें रोशनास करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, खुदा हाफिज। ख़वातीन आज़ाद, रफ़ी साहब ने अभी एक बात कही और आलिया आप तो इसकी गवाह होंगी, मुझे इस बात की दुख है, एक होता ना एक कंसर्न होना, एक होता किसी चीज़ का आपके दिल पे जाके दुख पैदा करना। पाकिस्तानी घरानों में बच्चे इंडियन एक्सेंट से बात कर रहे हैं, भगवानों के नाम, विश्वनाथ भगवान कौन है, फलां भगवान, ये सब याद हो गए और अपने सहाबा इकराम जो हैं उनके नाम भूल गए, अपने काम को भूल रहे हैं। और इसके लिए आपको याद होगा सोनिया गांधी ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि हम तुम्हें जो है वो सकाफती महाज पर ऑलरेडी डिफीट दे चुके हैं। बिल्कुल है ना जी, क्योंकि मूवीज़ बहुत पॉपुलर है ना। इसमें अब देखें, बात तो हम बहुत कहते हैं लेकिन हमारे पास क्या है कि हम बच्चों को पाकिस्तानी मूवीज़ की तरफ करें। अभी तो कुछ हुआ लेकिन बहुत अरसे से मूवीज़ हमारी बंद हो गई, बननी बंद हो गई। जैसे पहले मुकाबला था और बहुत टॉप की ड्रामा तो हमेशा से टॉप पे रहा है, आज भी टॉप पर है और वो बच्चों को दिखाई जाती है ना घर में, अगर तरबियत कहाँ से होती है। जो छोटे बच्चे वो भगवान और फेरे लेना और शादी करना वो समझते हैं कि ये कबूल हुई वाली शादी ठीक नहीं है, फेरों वाली ज़्यादा सही है। तो अच्छा। जी तो वो कहाँ से आ रहा है, वो उनके जहन पे असर करता है ना, जो वो देखेंगे वो ही राइट समझेंगे और वो ही अडॉप्ट करेंगे, वही फैशन बन जाएगा। इस सिलसिले में बहरहाल रफ़ी साहब ने जो बात कही अभी मिनियापोलिस से, वो उसमें भी यही बात है कि भाई हर सतह पे लोगों को हमारे प्रोग्राम का जो भी पैटर्न है, हमसे जो कुछ भी हो सकता है, ख़वातीन आज़ाद हमारे पास, हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं, हम अपने कल्चर को भी प्रेफरेंस देते हैं, अपने मज़हब को भी समझते हैं, समझाने की उस पर अमल की कोशिश करते हैं। अब जैसे आज हमारी गेस्ट हैं तो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है कि मैं एक सिंगल पेरेंट लेकिन मैं सारे काम करती हूं। और अब आइए जरा इनकी एक्टिविटीज़ के बाद एक और चीज़ जो ये इनका एक शौक़ है कि ये जहाज़ भी उड़ा रही हैं, तो ज़रा आलिया ये बताइए कि लोग तो यूजुअली गिव अप कर देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, कहीं रोते हुए बैठ जाते हैं, आप जहाज़ लेके हवाओं में, तो ये क्या कैसे हुआ, मुमकिन हुआ? मेरी बकेट लिस्ट थी। अच्छा। मेरे फादर साहब का कोई बेटा नहीं, मेरा भाई नहीं है, तो उनकी 5 बेटियां हैं, तो उन्होंने बताया था कि इस बेटी ने ये बनना है और सब वो ही बन गए। लेकिन मेरी समझें जो भी, मेरी बीए में शादी हो गई, मास्टर्स मैंने अपनी शादी के बाद कंप्लीट किया, मुझे रिग्रेट रहता था हमेशा। मास्टर्स कहाँ से किया था? पाकिस्तान से, पंजाबी यूनिवर्सिटी से। जी मैं एग्जाम दे के आ गई थी और रिजल्ट बाद में आया था। अच्छा, और किस सब्जेक्ट में किया था? इस्लामिक स्टडीज में, रिलीजन में। अच्छा, तो मेरे दिल में फिर उनकी वफात हो गई और अच्छा। मैं नहीं जा सकी वहाँ पे, तो मुझे पछतावा था इस बात का, तो मैंने कहा कि अभी भी कुछ नहीं, टाइम गुजरा, अभी भी हो सकता है कुछ, तो इसलिए मैंने फ्लाइंग लेसन लेने शुरू किए। अच्छा। और वो उनकी फर्स्ट जो था वो उनकी बर्थडे पे था,
अच्छा जी, वो तो क्या वो उनके विश थी कि आप पायलट बने, पायलट बने या लॉ पढूं या अच्छा लॉ की साइड पे जाऊं। तो जैसे शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हो जाती हैं और शायद कभी कुछ हालात दुश्वार हो जाते हैं कि तालीम जारी नहीं रखी जा सकती। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अभी टाइम नहीं गुजरा, कर सकती हूँ, अगर यहाँ पे मौके हैं तो मुझे करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो थी वो ये थी कि आफ्टर 9/11 ये सुनने में आया कि एयरलाइन हैंगर्स के करीब तो किसी को जाने नहीं देते, स्कूल में दाखिला भी नहीं देते हैं और बड़ी उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपको ऐसी कोई मुश्किल नहीं पेश आई? नहीं, और काफ़ी अर्सा गुजर गया ना, अब तो 15-16 साल गुजर गए, तो मुझे तो कुछ नहीं। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देखा, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे कोई ट्रबल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। नहीं, न्यूयॉर्क में जी मुझे नहीं कुछ कहा उन्होंने, ड्राइविंग लाइसेंस देखा बस, बाकी जो कागजात उनको चाहिए थे ले लिए। जब अगर कोई नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन किया नहीं की, मैंने कौन सा उनके आर्मी में जा रही थी, वो ज्यादा इंटेंस करते हैं, दे आर लिटिल स्केप्टिकल ऑल द टाइम नाउडेज कि भैया ये मुसलमान हैं और ये जहाज उड़ाना सीख रहे हैं कल जाके कहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ा, उन्होंने कहा नहीं इसको तो सीखना चाहिए। अच्छा जी जी, अच्छा ऐसी मजाक कर रही हैं उसे। अच्छा अच्छा, तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताइए कि जब इंसान जहाज में जाता है तो हम तो जब भी एक कॉल पे ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये बंदे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अलीम हुसैन। जी अलीम साहब, आपसे बात करनी थी मैंने। जी जी अलीम साहब, मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं अलीम साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त गालिबन जो मैं टीवी देख रहा हूँ तो आप लाइव खातून के साथ बात कर रहे हैं? जी जी जी। एक ऑब्जर्वेशन मेरी थी, जब आपने अभी बात ही कर रहे थे, एक साहब कॉलर ने आपसे कहा था कि साहब पाकिस्तान में जो है हिंदी ज्यादा राइज हो रही है क्योंकि बच्चे जो है वो टीवी देख रहे की चीजें याद करते हैं कौन सा भगवान का नाम क्या है। जी जी। ये सवाल मैं आप जरा सोचे इस बात को कि हिंदुस्तान में कव्वाली जो है कैसी शुरू हुई और किस लिए शुरू हुई थी? साहब जबकि हमारे मजहब में मौसीकी बजाने और मौसीकी के आले और मौसीकी के सुनने जो है वो एक ममनूनी वो थी, मना था, मगर उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इस्लाम में जो मुसलमान पहले वो कितने सारे लादादा मुसलमान पहले बड़े हुए और उसके वजह से काफी रेडिएट हुआ इस्लाम। तो इस वजह से कहते हैं चाह रहा था मैं कि अगर हम अपने मजहब को ही अपने ही मजहब से अगर हम मतलब जरा फेमिलियर करें और डराने की कोशिश ना करें अपने बच्चों को, या जैसे कुरान शरीफ को बाल ताक रख देते हम लोग पढ़ते नहीं उसको, तो मे बी हमारे बच्चे ज्यादा इस मजहब से वाकिफ होंगे और आशना होंगे। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू अंदर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, तारुफ कराइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? मियामी से। अली साहब, जी अली साहब, क्या कहेंगे आप? जी आलिया बाजी बात सुन रहा था, बड़ी खुशी हो गई कि उर्दू सिखा रही हैं। और दो चीजें मैं आप जैसे यहाँ पे जैसे मियामी मैंने देखा है बच्चे उठ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो बच्चे पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ हैं यहाँ के तहजीब याफ्ता। अब कराची के पाकिस्तान निगाह में देखा उसके उर्दू को है जरा जबान को थोड़ा थोड़ा बम्बई स्टाइल में चेंज कर रहे हैं वो, क्या ड्रामो में देखे थोड़ा बम्बई स्टाइल ला रहे हैं वो, ऐसे जो नीचे लैंग्वेज है तो ऐसे तो। और यहाँ के जो बच्चे पढ़ो रहे हैं वो इंडियन के साथ मिल वो ही माहौल उनको, जैसे इंडियन आते हैं हमारे घर बड़े खुश होते हैं, उनको बहुत कहते हैं हम लोग की जबान सुनकर मजा आता है जी, आप लोग की जो गुफ्तगु होती है जैसे उर्दू में तो वो बड़े खुश होते हैं। और हमारी जो फैमिलीज हैं काफी इंडियंस जो है ये होता ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी इंडियन ऐसा लगता है फैमिली बैठी है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहने जा रहा था नवाज शरीफ के मामले पर, आपने शुरू में आपने जब बोला था आपने देखा कि क्या हुआ, अभी भी वो बाजा सलामत की तरह आते हैं, 50-50 BMW उनके पास है, वो कोर्ट के ऑर्डर से निकले और जो असेंबली में ख्वाजा सरा ने जो तकरीर की
मुझे हंसी आ रही थी कि क्या क्या असेंबली और क्या लोग हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं था वहां पे। अपोजिशन के इमरान साहब खान साहब तक नहीं आए थे, किस डर से नहीं आए वो? आप ही उनको कोर्ट लाए, आज आपको आना चाहिए था अपने लोगों के साथ, ये क्यों नहीं आए? मुझे इस ये बार ये समझ में नहीं आई कि इमरान खान तो घर पर बैठे रहे, लेकिन ख्वाजा सरा साहब की तस्वीर सुन के बहुत 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 अफसोस हुआ। एक आदमी प्राइस बोर्ड जीतने जा रहा है और अरबपति हो गया, उसके उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बहुत साहब, अली साहब बहुत शुक्रिया, अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, टाइम चूँकि बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक इस बात के, एक चूँकि हमारे पास एक मिनट है सिर्फ प्रोग्राम में अब रह गया, आपसे भी गुजारिश ख़वातीन आज़ाद, आपसे भी गुजारिश कि हम और आप बहुत कुछ तो ना कर सके और यहाँ पर आ गए। वो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी एक आज़ाद नज़म है कि मगरिब से यूँ ललचाए, मशरक से यूँ घबराए, आने को यहाँ आए पर आके भी पछताए, अब वक्त यही कहता है आगे ही बढ़े जाओ, देखा जो कभी मुड़ के तो हो जाओगे पत्थर के। अभी चैलेंजेस तो मिलेंगे, आप कोई आखिर में ऐसी एडवाइस कर दीजिए कि शायद कुछ काम बन जाए, शायद किसी का काम आ जाए। एक्चुअली मैं एडवाइस नहीं करती, लेकिन ये कहती हूँ कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, उसे भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए और जितना अच्छा कर सकें करें। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बाद कुछ अच्छा करके जाऊँ जो मुझसे पहले ना किया हो किसी ने, और अब बेटर छोड़ के जाऊँ अपनी अगली नस्ल के लिए। थैंक यू हज़रत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर किसी ऐसी शख्सियत को, पाकिस्तानी अमेरिकन को रेफ़र करना चाहें हमारे शो में आने के लिए, कि जिनका कुछ अचीवमेंट हो या कोई डायरेक्शन देते हों, जैसे आलिया जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाती हैं, उर्दू भी पढ़ाती हैं, जहाज़ भी उड़ाती हैं, अपने बच्चों की भी टेक केयर करती हैं, कम्युनिटी इवेंट्स में भी जाती हैं, उनमें बाकायदा पार्टिसिपेट करती हैं, तो मैं ये चाहता हूँ, इस प्रोग्राम का आज का मकसद ये था कि जो हमारी कोई बहन कहीं अगर उदास बैठी है और कोई सिंगल पेरेंट भाई उदास बैठा है, तो उसको ये मिसाल सामने हैं कि अगर हम दुआ करें, वो छोटे छोटे से वज़ाइफ उनका कंटिन्यूशन करें, और ये सोच अपने दिमाग को रीवायर कर लें कि अगर किसी वक्त कोई दुआ कबूल नहीं हुई है तो यकीन कीजिए रोज़े मैचर उससे भी ज़्यादा ज़्यादा सवाब मिलेगा और कुछ ना कुछ बेहतरी होगी जो उस वक्त वो दुआ कबूल नहीं हुई। ये रीवायरिंग ये अपने साथ करती हैं, इन्होंने हमें बताई, अमल कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट, गुड नाइट।